चलिए चलते हैं बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है बिहार के 5 जिलों में मंगलवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय में 9, खगड़िया में 5, दरभंगा में 2, सुपौल और बांका में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। वहीं अगर बिहार राज्य में कुल कोविड 19 संक्रमित मरीजों की बात करें तो अभी तक कुल 800 के पार हो चुकी है। इसे देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई तक 96 ट्रेनें बिहार आई हैं, इनमें 1,14,000 लोग आए हैं और अगले 7 दिनों तक 179 ट्रेनों से 2,50,000 लोगों के आने की संभावना भी है। इसके बाद भी और प्रवासी मजदूर बिहार आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। चलते हैं अगली खबरों पर। अगली खबर आ रही है पटना से। जी हाँ, पटना में सोमवार को 11 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसमें बीएमपी 14 के 8 जवान हैं, बाकी 2 प्रवासी हैं और 1 कोरोना से मरने वाले बद्री के संपर्क में आया युवक है। एक साथ 8 जवानों की पॉजिटिव रिपोर्ट ने बिहार पुलिस की मुश्किल और बढ़ा दी है। बिहार सैन्य पुलिस में संक्रमण की इस कड़ी के आगे बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। संक्रमित जवानों में से कई ऐसे हैं जो जिला पुलिस में भी ड्यूटी कर चुके हैं। बीएमपी में संक्रमण का असर पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। पूरी खबर। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लॉकडाउन के बीच मंगलवार सुबह दिल्ली से पटना लौट गए। वह कार से सड़क मार्ग के द्वारा पटना पहुंचे। 25 मार्च को लगातार लॉकडाउन से पहले तेजस्वी दिल्ली गए थे। अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद वह दिल्ली में ही फंस गए। विशेष परमिशन लेकर तेजस्वी 50 दिन के बाद पटना लौटे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा, ट्वीट करके सरकार की आलोचना करने वाली तेजस्वी यादव को प्रवासियों की पीड़ा समझने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, तब यह पता चलेगा सरकार मजदूरों की मदद के लिए कितनी तत्पर है। इसी पर तेज प्रताप बोले हैं, अर्जुन आ गया, अब तेज होगी राजद की राजनीति। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। खबर आ रही है कि विशेष ट्रेन से बेंगलुरु से दरभंगा पहुंच चुके हैं 1209 यात्री। दरअसल बेंगलुरु से चलकर एक स्पेशल ट्रेन सोमवार की शाम दरभंगा जंक्शन पर पहुंची। जीआरपी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में बेंगलुरु से 1209 यात्री दरभंगा जंक्शन पर जिला प्रशासन की ओर से पूर्व से मजबूत चाक चौबंद व्यवस्था के तहत इन यात्रियों की जाँच की गई तथा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते वक्त इनके हाथ पर मुहर लगाया गया। साथ ही इन्हें नाश्ते के पैकेट एवं मिनरल वाटर भी दिया गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही पूर्व की तरह जंक्शन में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों की जीआरपी एवं आरपीएफ की टीम की ओर से कोच से उतरे सभी यात्रियों को अपने सुरक्षा घेरे में लिया गया और फिर उन्हें घर जाने दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगली खबरों पर। खबर आ रही है कि फिलीपींस में फंसे 139 विद्यार्थी स्वदेश पहुँच चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबरों पर। लॉकडाउन का इफेक्ट तिरुपति बालाजी मंदिर में भी देखने को मिला है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में आर्थिक संकट देखने को मिला है, जिस कारण 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में भी देरी हो सकती। आपको बता दें कि देश का सबसे अमीर माना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर भी लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, मंदिर ट्रस्ट इस महीने अपने 21,000 कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में परेशानी का सामना कर रहा है। कर्मचारियों को इसकी इतला भी दी जा चुकी है कि सैलरी काटी या रोकी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय की देर अवश्य हो सकती है। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। खबर आ रही है लॉकडाउन में 48 दिनों के बाद मंगलवार को पटना जंक्शन से पैसेंजर ट्रेन खुलेंगी। जी हां, राजेंद्र नगर टर्मिनल से 7:45 नई दिल्ली के लिए ट्रेन खुलेंगी। मंगलवार को दोपहर 2 बजे से ही पटना जंक्शन के बाहर यात्रियों की भीड़ जुटने लगी है। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बलों की टीम यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लाइन में लगने के लिए कहते दिखे। वहीं डॉक्टरों की टीम हर यात्री की स्क्रीनिंग करती नजर आई। पैदल बिहार जा रहे मजदूरों को हमला, हाईवे पर एसयूवी ने कुचला, एक की मौत दूसरा जख्मी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चलने के बावजूद से मजदूर अब भी पैदल दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं और कई जगह हुए हादसों का शिकार भी हो रहे हैं।